बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मैं थाल पोश का गिलाफ बना रही हूँ, रुमाल बना रही हूँ। कलर यूज़ करें मैरून और येलो, और हुक यूज़ कर रही हूँ 2.0 mm। और सबसे पहले यहाँ पे मैरून कलर यूज़ करूँगी। यहाँ पे रिंग बनाना है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 चैन बनाने के बाद इधर शुरू वाले चैन में बंद कर देना, इसके अंदर डाल के। इस तरह यहाँ पे 10 चैन बन गए, 10 चैन रिंग बना लिया है। रिंग बनाने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डबल चैन। और यहाँ पे इस तरह दो धागों को पहले निकाल लेना है, फिर दो को बाद 5, यहाँ पर दो को पहले दो को बाद। इसी तरह यहाँ पे 24 चैन बनाने हैं। 24 चैन बना लिए हैं, 24। अब इधर 1, 2, 3 के ऊपर इसे ऐसे बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चैन, स्टार्ट में 2 चैन, फिर इसके बाद 1 चैन, 1 डबल चैन। अब इसमें 1 और 2 डबल चैन प्लस 1 चैन। और देखो, एक में 2 डबल चैन, फिर दूसरे में 1 डबल चैन, फिर इसमें 2 डबल चैन, 1 और 2 2 डबल चैन प्लस 1 डबल चैन। तमाम में इसके आल में इसे इसी तरह बनाना है, 1 डबल चैन 2 डबल चैन 1 डबल चैन। तो यहाँ पे 24 है, 36, यहाँ पे 36 डबल चैन बना। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, 2 डबल चैन और 1 डबल चैन 2 डबल चैन। अब यहाँ पे 1 डबल चैन, यहाँ पे टोटल होने हैं 36 डबल चैन, 36 डबल चैन। अब यहाँ पे 48 1, 2, 3 डबल चैन बनाने के बाद यहाँ शुरू स्टार्ट में 2 चैन, फिर 1 चैन और फिर 1 चैन। अब इसमें के आगे 2 डबल चैन बनाने हैं, 1 और 2 डबल चैन, फिर यहाँ पे 1 डबल चैन, दूसरे स्पाफ में 1 डबल चैन। इस राउंड में 2 डबल चैन, फिर 1 डबल चैन, 1 डबल चैन सिंगल, यहाँ पे 2 डबल चैन डाले हैं। एक ही सुराख में 2 बार 2 डबल चैन बनाए, फिर एक सुराख में 1 डबल चैन, दूसरे में 2। यहाँ पे 48 डबल चैन बनाने हैं, 48 डबल चैन बनाने हैं इस राउंड में, 3 राउंड में 48 डबल चैन बनाने हैं। 2 डबल चैन, फिर ये देखो यहाँ पे 2 डबल चैन, 1 डबल चैन, 1 डबल चैन, फिर 2 डबल चैन, 1 डबल चैन। यहाँ पे ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, 48 डबल चैन यहाँ पे बनाए हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 चैन डबल चैन 2, और यहाँ पे ये 3, और इधर यहाँ पे ये 4 और 5 डबल चैन बनाए हैं। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 बनाने के बाद 1, 2, 3 चैन बना, 1 चैन को छोड़ के, 1 को छोड़, 1, 2, 3, 4, 4 और 5 यहाँ पे 5 डबल चैन। यहाँ पे देखो 1 चैन को छोड़ के 3, 4, 5 डबल चैन, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 चैन बनाने के बाद 1 चैन को छोड़ के दूसरे में 1 डबल चैन, फिर यहाँ पे दूसरा डबल चैन, तीसरा, चौथा और 5।
यहाँ पे पांच डबल चेन मैंने बनाए हैं, 1 1 2 3 4 5। इस तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है पांच डबल चेन के साथ, एक चेन को छोड़ना है, ऊपर से ये तीन चेन बनाने हैं ऑल टू, इस तरह यहाँ तक मुकम्मल 4 5 6 7 8। अब इसे बंद कर दूंगी, फिर एक चैन के बाद इसको कटिंग कर दूंगी। अब इसके बाद ये येलो कलर यूज़ करूंगी। अब यहाँ पे इन सुराखों में एक दो तीन तीन चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे 6 डबल चैन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 बनाने के बाद 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद इधर 1 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे 6 डबल चैन है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे 5 डबल चैन बनाए, 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 4 चैन बनाए हैं। 4 चैन बनाने के बाद इधर बंद कर दूँगी। अब इसके ऊपर 1 2 3 3 चैन बनाने हैं इस चैन के ऊपर। अब ये दूसरे चैन के ऊपर एक चैन, अब यहाँ पे तीसरे चैन के ऊपर 3 डबल चैन, अब यहाँ पे 3 कवर, 3 चैनों के ऊपर 3 डबल चैन, फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चैन, फिर यहाँ पे 1 डबल चैन, फिर इधर यहाँ पे 2 चैन बनाने थे, फिर इधर एक चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 3 चैन बनाने हैं। और फिर इस चैन के ऊपर 1 डबल चैन, फिर दूसरे चैन के ऊपर 1 डबल चैन, और यहाँ पे तीसरे चैन के ऊपर 3 डबल, यहाँ पे 3 सही हैं या 2, यहाँ पे बना के देखते हैं। 2 डबल चैन मैंने बनाए हैं, हाँ यहाँ पे 2 सही रहेंगे। यहाँ पे देखो ऊपर से थोड़ा सा ढीला है, ये यहाँ पे 2 चैन निकालने, 2 चैन मैंने बनाए हैं, 1 डबल चैन और 2 डबल चैन, और यहाँ पे 3 डबल चैन, फिर यहाँ पे 6 डबल चैन बनाए हैं, 3 इधर 3 इधर, दरमियान में 2 गैप दिए हैं 2 चैन का, फिर 1 2 3 3 चैन बनाए हैं, 3 चैन बनाने के ऊपर इसके ऊपर 1 डबल चैन। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है, इस राउंड को यहाँ तक ऑल टू इधर मुकम्मल करते जाना है, यहाँ तक यहाँ पे 1 2 3 इसके ऊपर बंद कर दूँगी। यहाँ पे 1 2 3 3 चैन, फिर इस चैन के ऊपर 1 चैन, और फिर इधर 1 चैन, यहाँ तीनों के ऊपर 3 चैन बना ली हैं। अब यहाँ पे 1 2 2 चैन छोड़ने बनाने के बाद इसके ऊपर 1 डबल चैन, 2 3 और 4 यहाँ पे 4 डबल चैन बना के पॉप बनाना है। यहाँ पे 2 चैन बने इसके ऊपर, और इसके ऊपर ऐसे पीछे बैक की तरह, फिर यहाँ पे 1
तो टू चैन बनाने के बाद इसके चैन के ऊपर एक चैन, फिर इसके ऊपर एक चैन, इसके ऊपर एक चैन, फिर इधर वन टू टू और थ्री, तीन चैन बनाने हैं। तीन चैन के बाद इधर एक चैन, फिर इसके अंदर एक चैन, फिर इधर एक चैन। अब यहाँ पे वन टू टू चैन बनाए हैं, इसके अंदर फोर डबल चैन, एक दो और तीन, और यहाँ पे ये चार, फोर डबल चैन। फिर इनके इस चैन के ऊपर, इस चैन के ऊपर से इसे पीछे बैक की तरह ऐसे करके ले आना है, पॉप बन जाएगा। यहाँ पे वन टू टू चैन बनाने के बाद इसके ऊपर एक डबल चैन, फिर इधर एक डबल चैन, इधर तीसरा। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है टू डबल चैन के साथ, इधर तक यहाँ तक मुकम्मल करना है। यहाँ पे राउंड दूसरा, यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री राउंड में वन टू थ्री, तीन चैन, तीन चैन के बाद इसके ऊपर एक डबल चैन, फिर इधर दो डबल चैन, यहाँ पे तीन डबल, वन टू थ्री फोर, वन टू, टू चैन लेने हैं। टू चैन बनाने के बाद इधर जो पहले दो चैन बनाए थे इसी में वन टू थ्री और फोर, यहाँ पे चार डबल चैन मैंने बना लिए हैं, वन टू थ्री फोर। अब इस चैन में, इस चैन के ऊपर से धागे को यहाँ से उठाना है, वूल को ऐसे बैक साइड। अब यहाँ पे एक और दो, दो चैन बनाने के बाद फिर इसमें, इस पॉप के दूसरे रिंग में यहाँ पे चार डबल चैन बनाने हैं, वन टू थ्री और फोर। फोर बनाने के बाद इसमें ऐसे बंद कर देंगे, फिर एक दो, दो चैन, फिर इधर डबल चैन के ऊपर एक चैन, दो चैन और यहाँ पे तीसरा चैन। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर, वन टू थ्री फोर, फोर राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब इसके वन टू थ्री, थ्री के ऊपर बंद कर देना है, फिर इसी के ऊपर वन टू थ्री, थ्री चैन, फिर इनके ऊपर इस तरह, फिर इधर एक डबल चैन, यहाँ पे तीन डबल चैन हो गए इसके ऊपर। यहाँ पे पहले एक पॉप था, फिर दो, अब यहाँ पे तीन। हर राउंड में एक दो, दो चैन बनाने के बाद हर राउंड में वन टू थ्री, थ्री और यहाँ पे ये फोर, फोर चैन, फोर चैन के बाद इसको इधर खत्म कर देंगे। फिर यहाँ पे वन टू, टू चैन के बाद इन पॉप के अंदर वन टू थ्री और फोर, यहाँ पे फोर डबल चैन, यहाँ पे वन टू, टू बनाने के बाद इधर वन टू थ्री और फोर। वन टू, टू बनाने के बाद इसके ऊपर वन टू और थ्री। इसी तरह इस राउंड को, हर राउंड में एक एक पॉप को बढ़ाते जाना, पहले एक बनाए, फिर दो, तीन, अब इस अगले राउंड में चार बनाने हैं, उसके बाद फिर और डिज़ाइन बनेगा। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है फोर पॉप के साथ। ये देखो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे चार पॉप हैं, पॉप बनाए। अब इसमें इंक्रीज करते जाना है, हर राउंड में एक पॉप को काम करते हैं, एक दो तीन चार, चार के बाद यहाँ पे एक दो तीन बनाए हैं।
अब यहाँ पे एक और दो दो चैन बनाने के बाद इस पॉप के साथ ये जो चैन था यहाँ पे एक और दो दो चैन बनाने हैं, फिर एक चैन इसके ऊपर, इन तीन डबल चैनों के ऊपर एक चैन बनाना है, यहाँ पे इन दोनों को छोड़ देना है, फिर यहाँ पे एक दो और तीन तीन चैन बनाने के बाद यहाँ पे फिर एक दो तीन यहाँ पे देखिए ये जो है तीन चैन बनाने के बाद इन दोनों को छोड़ के तीसरे के ऊपर एक डबल चैन, फिर यहाँ पे एक डबल चैन और दूसरा डबल चैन, दो डबल चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पे दो चैन, यहाँ पे ये राउंड मैंने मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पे एक पॉप एंड पे रह गया, यहाँ डिक्रीज करते जाना है, कम पहले चार थे फिर तीन फिर दो फिर एक, एक के बाद यहाँ पे फोर डबल चैन लिए हैं, चार चैन लेने के बाद इधर बंद कर दूँगी, यहाँ पे हुक लेना है तो पॉइंट ज़ीरो। अब इस चैन के ऊपर एक चैन बनाना है, वन टू थ्री तीन तीन चैन बनाने हैं, फिर इसके ऊपर एक डबल चैन, फिर इस पॉप के सिरे के ऊपर एक डबल चैन, फिर इधर एक डबल चैन, यहाँ पे पांच डबल चैन बना है, पांच बनाने के बाद इधर वन टू थ्री फोर चार चैन बनाने के बाद इधर इसके अंदर डालते जाना है, वन टू थ्री फोर चार चैन, फिर इसके अंदर ऐसे बंद कर देना, फिर एक दो तीन चार चैन, फिर इसके अंदर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर चार चैन, इसके ऊपर एक डबल चैन, फिर इस चैन के ऊपर एक डबल। अब यहाँ पे फिर पांच डबल चैन बनाने, इधर दो इधर बन गए, एक इस पॉप के ऊपर दो, और यहाँ पे ये तीन और इधर चार और इसके ऊपर पांच, यहाँ पे टोटल पांच डबल चैन बनाए हैं। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है यहाँ तक, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे फाइव डबल चैन, वन टू थ्री फोर फाइव के ऊपर वन टू थ्री, ये थ्री का राउंड है, यहाँ पे थ्री डबल चैन, फिर वन टू टू चैन बनाने के बाद इधर बंद कर दूँगी, फिर एक चैन बनाने के बाद यहाँ पे कटिंग कर दूँगी, अब इसके बाद मैं ये दूसरा कलर यूज़ करूँगी, मैरून कलर, यहाँ पे हुक है 2.5। अब यहाँ पे वन चैन, अब यहाँ पे इसके ऊपर इन तीनों के ऊपर तीन डबल चैन, फिर इसमें एक डबल चैन, इसके ऊपर तीन राउंड मुकम्मल कर लिए। इसके यहाँ पर शुरू में ऐसे किया था, फिर दूसरे राउंड में तीन चार फाइव चैन के बाद यहाँ देखो यहाँ डबल चैन बनाए, फिर एक दो तीन चार पाँच और छः के बाद फिर दो डबल चैन बनाए, और इस राउंड में कोई डबल चैन नहीं डाला है, वैसे ही हर डबल चैन में एक एक डबल चैन बनाती गई हूँ। अब यहाँ पे येलो कलर यूज़ करूँगी, ये कटिंग कर दी इसको, अब येलो कलर के लिए यहाँ पे एक दो तीन चार यहाँ पे पांच डबल चैन बनाना है, फिर इधर एक दो दो सुराखों को छोड़ के तीसरे में
इसे बंद कर देना है इस तरह। एक दो तीन चार पाँच, पाँच लगाने के बाद एक दो तीसरे में बंद कर देना है। यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फाइव, वन टू को छोड़ के थ्री में बंद कर देना है। यहाँ पे इसी तरह सात बनाना है। यहाँ पे मैंने सात जाली बना ली, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन बनाए हैं इसको, सेवन बना। यहाँ पे मैंने सेवन बना लिए हैं सेवन। अब यहाँ पे दस चैन बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। यहाँ पे दस चैन बनाने हैं, यहाँ पे सिक्स छोड़ने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स छोड़ के सेवन में इसको बंद कर देना है इस तरह। यहाँ पे ये इधर सात, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ये है और इससे ये दस बना के इधर इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे सिक्स रिंग बनाऊंगी, ये देखो नेट वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये यहाँ पे ये बड़ा रिंग है इसमें बंद कर दूँगी। फिर यहीं से उठा के पकड़ के इधर ऐसे, एक दो तीन चार, इसी तरह यहाँ पे 15 डबल चैन इसमें बनाने हैं। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। यहाँ पे ये राउंड मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब इस रिंग में यहाँ पे देखो, पहले सेवन थे सात, फिर एक दो तीन चार पाँच और छः, एक कम हो गया। यहाँ पे 10 चैन डबल बना है, 10 और 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ पे 15 डबल चैन बनाए हैं। 15 डबल चैन बनाने के बाद इस रिंग में ऐसे बंद कर दूँगी। यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव चैन। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन। इसी तरह बनाते जाना है यहाँ तक, इधर इधर से उठा के इधर जाना है। ये देखो यहाँ पे रिंग, इसके ऊपर रिंग बनाने हैं। इसके बाद यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और छठे में यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 चैन बनाए हैं। यहाँ पे टोटल 15 चैन थे, 15 बनाने के बाद यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे आठवें में डालना है, थ्री सिक्स सेवन एट। यहाँ पे टोटल डबल चैन 15 चैन बनाए थे। अब इसके बाद फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 चैन बनाने के बाद इधर इसमें बंद कर दूँगी। सॉरी, इसमें इधर बंद कर दूँगी। इसके बाद यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव, इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया दूसरा राउंड येलो का, वन टू थ्री। अब यहाँ पे इधर से उठा के यहाँ पे 10 डबल चैन बनाए हैं, यहाँ पे इधर 10 डबल चैन बनाने हैं। तकरीबन वन टू थ्री थ्री फोर फोर, इस तरह यहाँ पे 13 डबल चैन बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 13 चैन बनाए हैं। 13 चैन बनाने के बाद इसके अंदर ये जो है अपना इसके अंदर ऐसे डाल देना है। अब यहाँ पे फिर इस रिंग में 13 डबल चैन बनाने हैं, वन टू
इसी तरह यहाँ पे 13 डबल चैन बनाना है, इधर भी मैंने 13 बनाए हैं और यहाँ पे भी 13 डबल चैन बनाए। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल यहाँ पे मैंने 10 चैन बनाए हैं, 10 चैन बनाए 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8वें चैन के ऊपर इसे बंद कर देना है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 5 चैन बनाने हैं, फिर इधर से 2 छोड़ने हैं, 2 छोड़ के तीसरे में इसे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चैन बनाने हैं, फिर 2 को छोड़ के तीसरे के ऊपर, तीसरे चैन के ऊपर इसे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 को छोड़ना है और तीसरे के ऊपर इसे बंद कर देना है। इसी तरह इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पे 5 डबल, यहाँ पे 1 2 3 3 के बाद 10 चैन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चैन बनाने के बाद इधर इस राउंड को इसी तरह मुकम्मल करना है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। या अगर मैं आपको डिटेल्स से बताऊँ समझाऊँ तो यहाँ वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, लंबी हो जाएगी, फिर इससे ज़्यादा टाइम होगा। यहाँ पे ये देखो इधर बैक साइड पे, बैक साइड पे इस धागे को सेंटर में लेके आना है। इसके सेंटर में 1 2 3 4 5 यहाँ दरमियान 6 और 7 यहाँ पे दरमियान में से लेके आना है। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन बनाने हैं, फिर इसमें बंद कर देना है। इस तरह जैसे ये पॉप बना है, ये 2 बना ले हैं, अब ये 2 रह गए हैं, इनको बनाना है, इन दोनों को बनाना है। इसके बाद फिर 1 2 3 4 और 5 5 चैन बनाने के बाद इधर फिर 10 चैन बनाने, इधर ये बैक साइड है, बैक साइड पे ये रिंग बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाने के बाद 7 1 2 3 4 5 6 और 7 सातवें में बंद कर देना है। अब इधर इस साइड पे फ्रंट साइड पे मुक जाना है। अब यहाँ पे इसी रिंग में विद आउट चैन के इस तरह धागे निकाल, फिर दूसरी बार यहाँ पे 13 डबल चैन बनाने हैं, 1 2 3 ये अब हमारे ये बन रहा है, ये दोनों, ये और ये दोनों जो हैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये 2 नीचे से बन गए हैं, अब ये और ये बना रही हूँ, ये 10 13 डबल चैन के साथ, फिर इधर भी 13 डबल चैन। यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया है 13 डबल चैन के साथ। अब यहाँ पे मूव जाना है बैक साइड पे, यहाँ पे बैक साइड पे ये है बैक साइड, इधर अब इस धागे को, इस वूल को इधर लेके आना है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ले आना है इसे। अब इधर 10 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन बनाने हैं। 10 चैन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 सातवें में इसे बंद कर देना है। अब इसे मुड़ जाना है दाएं तरफ फ्रंट साइड पे, यहाँ पे फ्रंट साइड पे यहाँ पे 13 डबल चैन बनाने हैं, 13 डबल चैन इस बगैर, ये देखो ये 2 चैन हाफ चैन निकालना, फिर अब यहाँ पे डबल चैन, 13 डबल चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 डबल चैन के बाद यहाँ पे हाफ चैन,
हाफ चैन के बाद एक चैन, एक चैन बनाने के बाद धागे को फूल को कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद इसे बैक साइड पे इस धागे को इधर लेके आना है, फिर इस फूल को इधर यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद यहाँ पे इसी तरह इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पे ये मैंने थाल पोश बनाया है, काफ़ी बड़ा है, बड़े थाल पोश का। यहाँ पे मैं ये देखो पैमाइश कर रही हूँ मेजरमेंट, ये कितना है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। ये काफ़ी बड़ा थाल पोश है, फिर 25 सेंटीमीटर का है ये। ये बहुत ही प्यारा है।